लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला चैप्टर, नाइन्थ क्लास का फिजिक्स का अगला चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। पिछले क्लास में आपने मोशन के बारे में पढ़ा था, गति के बारे में, उसमें गति के बहुत सारे व्यंजक निकाले गए थे, जी बराबर यू प्लस ए टी, एस का फॉर्मूला, दूरी निकालने का फॉर्मूला, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सब क्या आपने पहले क्लास में पढ़ लिया था। फॉर्मूला आपने पढ़ा था पहले वी बराबर यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। यहाँ से इसका यह फाइनल वेग निकलता है जब उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। फिर आपने दूसरा सूत्र पढ़ा था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, और ये सारे फॉर्मूला आपको मैथमेटिकल से और ग्राफीय विधि से, दोनों विधि से आपको ये सिद्ध कर देगा। तो इसमें थोड़ा बहुत इसका इसमें इसका यूजेज है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा पिछले क्लास के बाद वर्णन कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर सीधे देखेंगे फोर्स बल क्या है, इसके बारे में आप आठवां क्लास में भी पढ़ चुके थे बल के बारे में। किसी वस्तु को खींचना, किसी वस्तु पर धक्का लगाना, किसी वस्तु को पर ठोकर मारना, ये सब बल को प्रदर्शित करता है। हम जैसे किसी दरवाजे की किवाड़ी को खींचते हैं, दरवाजे की किवाड़ी को धक्का देते हैं, किसी वस्तु पर ठोकर मारते हैं, तो हम वहां पर बल का उपयोग करते हैं। तो अगर किसी वस्तु पर फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, वस्तु पर अगर हम बल आरोपित करें तो क्या होगा, वस्तु अपने स्थान से हट जाएगा या हटने की कोशिश करेगा। जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं तो और क्या क्या हो सकता है, हमने तो देखा कि किसी वस्तु पर धक्का देना, खींचना, ठोकर मारना, ये सब तो बल है। तो क्या बल लगाने पर उस वस्तु के स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर फोर्स आरोपित किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो जो वस्तु रुकी हुई है वह मोशन में आ सकता है, जो वस्तु पहले से रेस्ट की अवस्था में है वह मोशन में आ सकता है। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो हम उसको बल लगा करके रोक भी सकते हैं। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको चला सकते हैं। अगर कोई वस्तु चलती हुई अवस्था में है तो उस पर बल लगाकर हम उसकी गति को तेज भी कर सकते हैं, गति को धीमी भी कर सकते हैं, और चलती हुई जो वस्तु है उसके गति के डायरेक्शन को हम बदल भी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु पर फोर्स आरोपित किया जाए तो वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन हो ही जाए, कोई गारंटी नहीं है। या तो परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मान लो हम इस दीवार पर बल लगा रहे तो दीवार तो अपने स्थान से हटेगा नहीं, और अगर हम वही किसी दूसरे छोटी वस्तु पर बल लगाते तो वह अपने स्थान से हट सकता था। तो बल वह एक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में, वस्तु के स्थान में, वस्तु के बनावट और आकृति और साइज में परिवर्तन कर सकता है या करने की कोशिश करता है। कोई जरूरी कि परिवर्तन कर ही दे, परिवर्तन कर सकता है या करने की कोशिश करता है, बल कहलाता है। बल क्या हुआ, एक भौतिक आंतरिक कारक हुआ जो किसी वस्तु के स्थान में, वस्तु की अवस्था में, वस्तु के आकार में, वस्तु के साइज में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, उसे हम लोग बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो
बल लगाने पर वस्तु अपना स्थान बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है, उसका आकार बदल सकता है, साइज भी बदल सकता है, वस्तु के गति में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु रुकी हुई है तो चल सकती है, चलती हुई वस्तु है तो रुक सकती है, वस्तु का चाल को धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, उसके गति की दिशा को बदल सकते हैं। यह सारा प्रभाव होता है बल के कारण। अतः हम कह सकते हैं कि बल एक ऐसा भौतिक आंतरिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थान में, अवस्था में, आकार में, साइज में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। अभी हम लोगों ने फोर्स के बारे में देखा, अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक है बैलेंस्ड फोर्स संतुलित बल और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स असंतुलित। तो संतुलित बल क्या है या क्या करता है? अगर कोई वस्तु यहां पर स्थिर रखी हुई है और इस वस्तु पर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ठीक इसके विपरीत डायरेक्शन में और उतना ही मैग्नीट्यूड का एक बल और लग रहा है, मतलब दो बराबर परिमाण के बल हो लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, डायरेक्शन उसका अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड उसका समान हो, तो वैसे बल को संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करेगा, ध्यान से सुनो, जब किसी वस्तु पर बैलेंस्ड फोर्स कार्य करेगा तो वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर यह वस्तु रेस्ट की अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो यह स्थिर ही रहेगी, या ये गति की अवस्था में होती और इस पर संतुलित बल कार्य करता तो भी ये वस्तु गति अवस्था में ही रहेगी। गति अवस्था में रहने के बाद भी इसके वेग में ना तो कमी होगी ना तो वृद्धि होगी, वही का वही रहेगा, मतलब वस्तु के स्थिति में ये कोई परिवर्तन नहीं लाता है, तो ऐसा बल बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में शून्य त्वरण उत्पन्न हो, शून्य त्वरण मतलब त्वरण उसमें नहीं हो, वस्तु जिस वेग से चल रहा है चलते ही रहे और दोनों तरफ से बराबर परिमाण समान बल लगे, वस्तु के वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, ना तो घटे ना तो बढ़े, अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई अवस्था में रहे, चल रही है तो चलती ही अवस्था में रहे, वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, तो वैसे बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। जनरली संतुलित बल का परिभाषा कि दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत दिशा में लगने वाले बल, बल दोनों अलग अलग विपरीत दिशा में लगे और दोनों बल बराबर बराबर लगे, तो वैसे बल को क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। दूसरा असंतुलित बल, जैसे मान लो यहां पर कोई पेड़ रखा गया है और इस पर इधर लग रहा है 10 न्यूटन का बल और इसके विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन का बल, तो यह वस्तु क्या होगा? इस दिशा में विस्थापित होने लगेगा, यानी वस्तु अपनी अवस्था पहला वस्तु अपने पहले वाले स्थान से विस्थापित हो जाएगा, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, रुकी हुई वस्तु विपरीत रुकी हुई वस्तु बल की दिशा में चल सकती है, चलती हुई वस्तु रुक सकती है, चाल धीमा हो सकता है, चाल तेज हो सकता है, यानी इसमें अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि असंतुलित बल अशून्य त्वरण उत्पन्न करता है और संतुलित बल शून्य त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, यह हुआ संतुलित बल और असंतुलित बल।
ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इसका लॉ ऑफ मोशन। चलिए अभी आपने देखा कि बल क्या है, बल कौन कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स में देखा। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु की स्थिति में, स्थान में, साइज में, आकार में परिवर्तन होता है, या बल वस्तु के आकार में परिवर्तन करने की कोशिश करता है, और यह बल संतुलित और असंतुलित दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर स्थिर है, रेस्ट की अवस्था में है, तो वह तब तक स्थिर ही रहेगी, या कोई वस्तु अगर गतिशील है, चल रही है, तो वह हमेशा गति की अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। कोई वस्तु यहां पर स्थिर रखा हुआ है तो यह तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक हम इस पर कोई बाहर से असंतुलित बल ना लगाएंगे। अभी बाहर संतुलित बल लगाएंगे तो अगर संतुलित बल होगा तो जैसा रहेगा पूर्वावस्था उसी पर रहेगा। तो स्थिर वस्तु सदैव स्थिर ही रहना चाहती है, या कोई गतिशील वस्तु जो गति में है, गति की अवस्था में तब तक रहना चाहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यह नियम गति का प्रथम नियम कहलाता है। मतलब वस्तु अपनी पूर्वावस्था में बना रहना चाहता है, पूर्वावस्था में, पहले वाली अवस्था में, और वस्तु के इसी पूर्वावस्था, पहले वाली अवस्था को वस्तु का एक खास गुण के नाम से जाना जाता है, और वह गुण कहलाता है जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम यह जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। जड़त्व क्या है? प्रत्येक वस्तु अपने पूर्वावस्था को बनाए रखने की भरपूर कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है कि वह अपने पहले वाली अवस्था में ही बना रहे। स्थिर है तो स्थिर ही रहे, गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहे। यह गुण, यह प्रॉपर्टी उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। और जड़त्व में परिवर्तन कब होगा? जब उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल लगाया जाएगा तब। तो यह गति का प्रथम नियम है, जिसे हम लोग जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और जड़त्व का परिभाषा, वस्तु की पूर्वावस्था, प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्वावस्था को, प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्वावस्था को बनाए रखने का भरपूर प्रयास करता है, भरपूर प्रयास करता है। यह गुण वस्तु का जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, अगर वस्तु स्थिर की अवस्था में है तो स्थिर जड़त्व कहलाएगा, वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति जड़त्व कहलाएगा। और गति का प्रथम नियम यही कहता है कि प्रत्येक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गति की अवस्था में रहना तब तक चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यह हुआ गति का प्रथम नियम। अब हम लोग गति के प्रथम नियम का कुछ आपने दैनिक जीवन में कुछ उपयोग देखें। आप देखते हो गाड़ी पर बैठे हुए हो, गाड़ी चल रही है, आप भी चल रहे हो साथ में, अचानक चलते चलते गाड़ी अचानक ब्रेक लेती है, तो ऐसी अवस्था में क्या आपने अनुभव कभी किया कि आपको क्या होता है? आप देखे होंगे जैसे ही गाड़ी अचानक रुक जाती है आप आगे की ओर झुक जाते हो, यानी जिधर गाड़ी जाती है
गति की दिशा में आप झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? एक बार ये भी आपने देखा होगा, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और चलने लगी, गाड़ी अचानक चलने लगी तो उसमें बैठा सवारी पीछे की ओर झुक जाता है। ये सारा इसी गति के प्रथम नियम, इसी जड़त्व के कारण होता है। हमने पहले बतलाया कि प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्वावस्था में ही रहना चाहता है, अपने जड़त्व को बनाए रखना चाहता है। गाड़ी गति में थी, आपका शरीर भी साथ में गति में है, आपका शरीर यह चाह रहा है कि हम अपने गति की अवस्था को बनाए रखें। जैसे ही गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाया जाता है, गाड़ी तो स्थिर हो जाती है, लेकिन जड़त्व के गुण के कारण आपका शरीर गति की अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण आप गाड़ी की गति की दिशा में अर्थात आगे की ओर झुक जाते हो। ठीक यही कारण, गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी स्थिर है, आप भी स्थिर हो, आपका पूरा शरीर ऐसे जड़त्व को फॉलो कर रहा है, अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई तो गाड़ी तो स्टार्ट होगी तो गाड़ी को गति प्राप्त किया, अचानक वह स्टार्ट हुई, गाड़ी गति अवस्था में आ गया, लेकिन आपका शरीर जड़त्व के गुण के कारण स्थिर रहना चाहता है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और आपका शरीर ऑटोमेटिक उसके विपरीत डायरेक्शन में पीछे की ओर झुक जाएगा। इसलिए गाड़ी के अचानक चलने पर गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, एक गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख ले और उस पर एक सिक्का डाल दे और पोस्ट कार्ड पर बहुत जोर से आप ठोकर मारे, पहले गिलास है उस पर एक पोस्ट कार्ड या कोई कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उस पर एक सिक्का रखा हुआ है, तो जैसे ही आप कार्डबोर्ड को ठोकर मारेंगे, कार्डबोर्ड तो गति की अवस्था को प्राप्त कर लेगा, लेकिन उस पर रखा हुआ सिक्का वह ऐसे ही रहना चाहेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कार्डबोर्ड आगे निकल जाएगा और वह सिक्का गिलास में गिर जाएगा। आपने अगर ऐसा देखा होगा, अच्छा ये बताओ, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन अपने रफ्तार से चल रही है, अचानक आप अपने जेब से एक सिक्का निकाले और सिक्का को उछालो, तो आप ये बताओ, जैसे ही आप सिक्का उछालोगे और गाड़ी चल रही है तो जब सिक्का नीचे की ओर गिरेगा तो वह सिक्का क्या आपके पीछे गिरेगा, आपके हाथ में गिरेगा कि आपके आगे गिरेगा? सोचो, ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है, आपने जेब से सिक्का निकाल के उछाल दिया, तो जब सिक्का ऊपर की ओर उछला, गाड़ी भी चल रही है, तो वह जब सिक्का नीचे की ओर आएगा तो वह सिक्का कहाँ गिरेगा? आप ध्यान से अनुभव करके देखोगे, वह सिक्का आगे पीछे आपके नहीं गिरेगा, वह सिक्का ठीक आपके हाथ में ही गिरेगा। जी हाँ, बिल्कुल हाथ में ही गिरेगा। क्यों? आप गाड़ी के साथ, गाड़ी गति में थी, आप गति में थे, आपके हाथ में सिक्का था, वो भी गति में था, सभी अपने गतिज जड़त्व को प्राप्त किए हुए था। जैसे ही आपने सिक्का उछाला, आप गति में है, सिक्का गति अवस्था में था, वो भी सिक्का आगे की ओर बढ़ रहा है, जब सिक्का गिरेगा तो वह आपके हाथ में ही गिरेगा। आप देखते होंगे टीवी में देखते होंगे या टीवी देखते होंगे, जब घोड़सवार घोड़े के को दौड़ाता है रेस के मैदान में, तो आप देखते होंगे कि घोड़सवार घोड़े के पीठ पर से उछल जाता है और ऊपर हो जाता है, घोड़ा भी आगे चल रहा है और कुछ दूर जाने के बाद वह घोड़सवार घोड़े के पीठ पर ही गिरता है। ऐसा क्यों? घोड़ा गति जड़त्व को प्राप्त किए हुए था, आदमी जो उसमें बैठा हुआ था जो घोड़े के साथ पीठ पर से दौड़ रहा था घोड़े के साथ में, वो भी गति जड़त्व को प्राप्त किए हुए था। जब वह घोड़े को छोड़कर उछलता है तो उसका शरीर गति जड़त्व को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उसका शरीर गति की अवस्था में रहता है, घोड़ा भी आगे की ओर बढ़ेगा और मनुष्य का शरीर भी आगे की ओर बढ़ेगा, और जब वह गिरेगा तो फिर वह घोड़े के
किस पर ही गिरेगा। इस तरह से बनने को एग्जाम्पल है, किताब में भी आपका दिया हुआ है। तो यह हुआ जड़त्व के गुण के कारण। अब हम लोग बात देखेंगे कि जड़त्व का जड़त्व है क्या, क्या किस किस पर निर्भर करता है और जड़त्व का वस्तु के द्रव्यमान से क्या संबंध है। जड़त्व और द्रव्यमान, जड़त्व का द्रव्यमान से क्या संबंध है। ध्यान से देखो, हमने बताया जड़त्व यानी इनर्शिया, बताया कि वस्तु अपनी पूर्वावस्था में रहने की भरपूर कोशिश करता है, यह गुण उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है। स्थिर है, स्थिर रहना चाहेगा। गति में है, गति में रहना चाहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है। मान लो यहां देखो, ध्यान, यहां पर कोई पिंड रखा गया है जो 5 kg का है और एक और दूसरा पिंड यहां पर रखा गया है जो मान लिया 60 kg का है और आप इस पर थोड़ा सा बल, आप इस पर एक बल लगा रहे हो वो मान लिया 10 N का और इस पर भी आप एक बल लगा रहे हो 10 N का, तो यह पॉसिबिलिटी यहां पर है कि यह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो सकता है क्योंकि यह वस्तु इसके तुलना में हल्की है। यह वस्तु अपने स्थान से हट सकता है, यानी 10 N का बल लगाएंगे यह वस्तु अगर रेस में था तो मोशन में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा कल्पना करें, इसके जगह पर अगर भारी वस्तु यहां पर रख दिया जाए, हमने 60 kg रखा, 100 kg कुछ भी रख सकते हो और यह इतना ही बल इस पर भी लगाया जाए तो ऐसा संभव है कि इस वस्तु या वस्तु अपने स्थान से न हटे, मतलब यह स्थिर था गति में आने लगा और यह स्थिर था स्थिर ही रह गया। तो बताओ अपने जड़त्व को कायम रखने में किसने अपनी भूमिका निभाई, जड़त्व कायम किसमें रहा, हल्की वस्तु में कि भारी वस्तु में। भारी वस्तु में, यानी वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा तो वह अपने जड़त्व को ज्यादा मजबूती से बनाए रखेगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होता है उसके जड़त्व में परिवर्तन आसानी से हो जाता है और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसके द्रव्य में परिवर्तन, उसके जड़त्व में परिवर्तन के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। एक सवाल है आप लोग से पूछते हैं, एक ट्रक जिसका सामान लदा हुआ है और एक खाली ट्रक है, उस पर कोई सामान नहीं है और एक सामान पर पूरा, एक ट्रक पर पूरा सामान भरा हुआ है और एक खाली ट्रक है, दोनों ट्रक एक ही रास्ते पर एक ही चाल से चल रहे हैं, दोनों पर एक साथ ब्रेक लगाया गया। ध्यान से सवाल को सुनो, एक भारी, एक ट्रक जिसमें सामान भरी है, एक खाली ट्रक है, दोनों समान स्पीड से एक ही चाल से एक रास्ते पर चल रही है, दोनों पर ब्रेक लगाया गया एक साथ और दोनों पर ब्रेक बराबर लगाया गया, ऐसा नहीं कि एक पर ज्यादा जोर से ब्रेक लगाया और एक पर धीरे धीरे ब्रेक लगाया, दोनों पर उसको रोकने के लिए बराबर ब्रेक लगाया गया। अब तुम्हारे विचार से बताओ पहले कौन गाड़ी रुके, जो भारी वाला होगा वो पहले रुकेगा, ये जो जिस पर सामान लदा हुआ नहीं था, मतलब जिस पर सामान लदा हुआ है भारी ट्रक है, जो खाली है वो हल्का ट्रक है। तो अभी आपने देखा कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो ज्यादा भारी होगा वह अपने जड़त्व को बनाए रखेगा देर तक और जो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें जड़त्व में परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। तो दोनों तरफ जो चल रही थी दोनों में गति का जड़त्व था, जो ट्रक भारी था उस पर ही ब्रेक लगाया गया, जो ट्रक हल्का था उस पर ही ब्रेक लगाया गया। ठीक है, तो पहले कौन गाड़ी रुकेगी, प्रश्न हमारा यही है, मतलब किसके जड़त्व में परिवर्तन जल्दी, ब्रेक लगाया गाड़ी को रोकने के लिए,
तो किसके जड़त में परिवर्तन जल्दी होगा? आपने देखा जड़त में परिवर्तन हल की तरह मन वाली होती है, अर्थात खाली तरह पहले रुक जाएगी और भारी तरह बाद में रुकेगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा था, वह अपने गतिज जड़त्व को बनाए रखने का भरपूर प्रयास कर रहा था। कुछ देर के बाद धीरे धीरे उसके जड़त्व में कमी आएगा और इसके जड़त्व में कमी जल्दी आ जाएगा, मतलब भारी तरह बाद में रुकेगी, खाली तरह पहले रुक जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि जो भारी तरह है वह अधिक दूरी तय करेगी, खाली तरह पहले रुक जाएगी, कम दूरी तय करते वह रुक जाएगी। तो यह हुआ जड़त से द्रव्यमान, जड़त और द्रव्यमान में संबंध, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके जड़त में परिवर्तन हम आसानी से ला सकते हैं, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके द्रव्य में, उसके जड़त में परिवर्तन लाने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी या फिर वह अधिक समय लेगा। यह हुआ जड़त। तो आपने देखा गति के प्रथम नियम, यह सारा नियम बल से मिलता जुलता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो सवाल तक लाया गया कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी का क्या होगा, आगे झुकेगा पीछे झुकेगा, सोच के इसका कारण भी आपको लिखना है। ठीक है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठा व्यक्ति का क्या होता है, बोलो आगे झुकता है कि पीछे, आगे झुके, यानी गाड़ी के गति की दिशा में रुकेगा। ठीक है, आगे पीछे तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, टेंशन में लोग उल्टा बैठा रहेगा तो आगे पीछे वाली बात खत्म हो जाती है। तो गति के दिशा में वह झुकेगा, और रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर क्यों झुक जाता है, और ये भी सवाल बना लोगे कि वह सिक्का क्लास में क्यों गिरा, घोड़सवार घोड़े के पीठ पर क्यों गिरता है, और ट्रेन वाला बताए जो जब सिक्का को उछाला गया तो सिक्का हाथ में क्यों गिरा, और ये भी सवाल इतना समझ लोगे कि कौन सी तरफ पहले रुकी, द्रव्यमान और जड़त्व में क्या संबंध होता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा वह अपने जड़त्व को उनको बनाए रखेगा देर तक। ये सारा सवाल है, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे।